हाय डे, इट्स ऑल हियर, आई एम बैक नर्दी गाइस। और आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ अगेन एक और स्टोरी जो कि है पुलिस स्टेशन वाली। और बेसिकली चार स्टेप्स में है वो, पहला इंट्रैक्शन पुलिस स्टेशन के साथ, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहे इस वीडियो के साथ एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, कहानी स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली आप लोग गाइस मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ क्या, क्योंकि मुझे यहाँ जो भी मिलता है ना वो मुझे यही कहता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ। आई थिंक मैं जो है जिस जहाँ से आई हूँ वहाँ जल्दी जल्दी बोलते हैं शायद, मुझे इसलिए लगता है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी से पहले आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। पहली वाली कहानी पुलिस स्टेशन वाली, उसमें ये हुआ था कि कोई भी इतनी डरने वाली बात नहीं थी, कोई भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं थी। बट मुझे उस टाइम पे मेरे कुछ भी फॉलोवर्स नहीं थे और मैं चाहती थी थोड़ा सा मेरे फॉलोवर्स बढ़े, मतलब मैं अपने आप को वायरल करना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है इस तरह से ना, जब वो सारा सीन हो गया, देखो सीन तो असली था ना, सीन हो गया तो क्यों ना इसकी वीडियो बना के डालनी पड़े कि मुझे क्यों जाना पड़ गया। तो मे बी पॉसिबल लोग इस तरीके की वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ जो इसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया, तो हो सकता है मुझे जो है व्यूज़ मिल जाए। तो मेरी फ्रेंड्स ने रेकमेंड किया कि इस तरीके से करो, तो मैंने करा। तो जो है मुझे व्यूज़ तो मिले नहीं, और जो नहीं है उस टाइम पे किसी ने देखी नहीं, मेरे घर वालों की और जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में भी, यहाँ पर भी उनकी कॉल आना शुरू हो गई कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुमने ऐसी वीडियो क्यों डाली। मैंने अबे यार, मतलब लाइक मैंने वो वीडियो डाली थी कि दूसरे देखे और देख रहे मेरे अपने ही घर वाले थे। खैर अब जो नहीं है, जब मेरी वीडियोस दूसरी जो है वो चल गई हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो वो वाली वीडियो भी देख रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। तो मैंने बोला चलो बना देते हैं इस पर भी एक वीडियो। हुआ ही कुछ यूँ था कि जो नहीं है उस दिन जो है उससे उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ था डी डे, उससे पहले दो दिन पहले मेरा भाई जो है वो कोरिया आया था। और जो नहीं है मैं उसको मतलब लाइक बहुत बिजी चल रही थी उसको सारी चीज़ें दिखाने में, बताने में, सारी चीज़ करवाने में। और उस दिन मैं उसे जो है एक्सप्रेस बस टर्मिनल छोड़ के आई थी ताकि वो अपने सिटी चला जाए जहाँ उसने जाना। तो उसका सारा सामान जो पाकिस्तान से आया था वो सारा लेके हम लोग जो है एक्सप्रेस बस टर्मिनल गए, उसको छोड़ दिया। जब वो चला गया घर, मतलब लाइक वो चला गया दूसरी सिटी, तो मैंने वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग कर ली। अब शॉपिंग कर ली इसका मतलब मेरे हाथ में और ज़्यादा सामान हो गया। तो वो सामान लेके हम अपने घर की तरफ आ गए। स्टेशन पे जैसे ही हम पहुँचे, मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार हम लोग क्यों ना कैफ़े चलते हैं, कुछ पीते हैं ना, थोड़ा थक गए हैं, रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो मैं चलो ठीक है, जूस वगैरह पी लेंगे। तो अब हमारे हाथ में यूँ सामान है और हम चले गए कैफ़े। और जो नहीं कैफ़े में हमने जो भी पीना था पिया, बैठे, काफ़ी देर तक बातें करी। और अब हमने रात हो गई थी तो हमने चलो वापस घर निकलते हैं। अब घर निकलने के लिए मैं निकली हूँ, स्टेशन तक आई हूँ, तो मुझे पता लगा मेरे पास जो है मेरा वॉलेट ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा मेरा वॉलेट कहाँ चला गया। मैं वापस गई हूँ कैफ़े, शायद मैंने कैफ़े में रख दिया हो। हम कैफ़े गए, कैफ़े में मेरा वॉलेट नहीं। अब हमने कैफ़े वाले अंकल से बोला कि शायद मैं यहाँ भूल गई तो आप मुझे देख के बताएं कोई उठा के ले गया होगा। तो उन्होंने सारी एक घंटे बैठ के मेरे साथ, जितनी देर मैं वहाँ बैठी थी उन्होंने मेरे साथ बैठ के रिकॉर्डिंग देखी कि जो नहीं है सीसीटीवी फुटेज देखी कि कहीं इसका पर्स यहाँ रह गया तो ढूंढवा दूँ, नहीं मिला। अब मैं होना शुरू हुई परेशान। मैं परेशान क्यों होना शुरू हुई, क्योंकि एक तो मार्च महीने में आए हुए और जो मेरा वो वॉलेट था उसके अंदर मेरे जो है यहाँ का बैंक कार्ड, चलो बैंक कार्ड का मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है कोई यूज़ नहीं करेगा क्योंकि अगर कोई यूज़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो बैंक कार्ड हो गया मेरा, ARC हो गया यहाँ का, मतलब जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है जो हमें मिलता है यहाँ पर, वो था मेरे पास। मेरे पास जो है उसमें मेरे यहाँ के अलावा जो पाकिस्तान के सारे कार्ड्स थे वो भी उसी में मौजूद थे। मेरा पाकिस्तान का NIC उसमें मौजूद था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे मेन चीज़ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वो उसमें मौजूद था। मेरा जो है और क्या था, मेरा बैंक का कार्ड जो पाकिस्तान का बैंक है उसका कार्ड भी उसी में मौजूद था। मुझे टेंशन यहाँ के कार्ड्स की नहीं थी, यहाँ के कार्ड्स तो बन जाते, लेकिन मुझे अपनी कंट्री का पता है ना कि कितना टाइम लगता है एक चीज़ दोबारा बनवाने में, अगर रीइशू करवाने में अगर कुछ हो जाए। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने ड्राइविंग लाइसेंस की थी, क्योंकि मुझे उस ड्राइविंग लाइसेंस से जो मैं पाकिस्तान में बनवा के आई थी यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। तो अब मैं होना शुरू हुई परेशान कि अगर मेरा पर्स नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। तो ना
अब मैं परेशान हो रही परेशान हो रही, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए मुझे अभी चाहिए, मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, गलियों में फिर रही हूँ और रात हो रही है, और वैसे मैं पूरा दिन की थकी हुई हूँ, दो दिन ऑलरेडी मैं थकी हुई थी, दो दिन से थकन थकन मतलब उस पर एक्स्ट्रा थकन कि मेरा पर्स खो गया। अब मेरे पास कोई हेल्प करने वाला बंदा नहीं, कोई कोरियर नहीं जिस जो मेरी हेल्प कर सके उस टाइम पर, तो मेरी फ्रेंड ने अपनी किसी फ्रेंड से एक नंबर लेके दिया कि इस पे नंबर पे अपना पहले कार्ड तो बंद करवाओ जो तुम्हारे बैंक का कार्ड है यहाँ का। तो मैंने अब उस नंबर पे कॉल कर रही हूँ, कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करने वाला, मतलब जब कॉल कर रही हूँ कस्टमर सर्विस से कोरियन में ही बात कर रही, इंग्लिश वाली लगी नहीं रही। अब मुझे खुद कोरियन नहीं आती, 5 महीने हुए आए हुए, और मुझे उनको समझाना है कि मेरा जो है वॉलेट खो गया है और मेरे वॉलेट में मेरा कार्ड था, तो प्लीज़ उसे बंद कर दो या किसी ने यूज़ किया या नहीं ये बता दो। मतलब इतनी मतलब, और मैं कहाँ खड़ी हूँ रोड पे, मतलब रात हो रही है मैं रोड पे खड़ी हूँ, गाड़ियाँ चल रही थी, गाड़ियों का शोर अलग है। अब ऐसे में इंसान को इंग्लिश नहीं आती, मतलब एक अपनी हालत ऐसी हो जिसमें कुछ आपसे बोला नहीं जा रहा, आपको समझाना नहीं आता दूसरे को, आपको इंग्लिश नहीं आती, अपनी अपनी ज़बान निकल रही होती है, उस पर मुझे कोरियन बोलनी पड़ी और उसको समझाना पड़ा कि बहन मेरा जो कार्ड है वो खो गया है, तो प्लीज़ तुम जो नहीं ये वाला कार्ड बंद करवा के दूसरा कार्ड जो है रीइशू करवा दो, मेरे घर पे भिजा दो वाली कहानी। मतलब मैं उसे समझा रही हूँ कि मेरा नाम ये है, मेरा ये है, सारी चीज़ें उसको बता रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि मेरा कार्ड किस तरह खोया। खैर वो किसी तरीके से मैंने अपने मतलब इतनी कोरियन थी कि मैं उसको समझा सकी, उस टाइम निकल गई पता नहीं कैसे। मतलब मैं खुद सोचती हूँ आज को कि 5 महीने हुए जाए हुए, 5 महीने हुए थे, उसके बावजूद मैंने उसको अच्छे से समझा दिया कि मेरा जो है वॉलेट खो गया है और जो नहीं है, इतने शोर में इतने परेशानी के आलम में मैं उससे कोरियन में बात कर सकी फ़ोन के ऊपर। सबसे ज़्यादा पता है टेंशन क्या होती है, जब आपके सामने कोई बंदा हो ना, जब आप नई कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आपके कोई सामने बंदा है ना तो आप उससे अच्छे से बात कर लेते हो क्योंकि आप अपना बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी उसको समझा पाते हो कि आपको क्या मसला है। लेकिन जब आप फ़ोन पे होते हो ना तो आप ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे हो कि आपको अपने सिर्फ लैंग्वेज से ही समझाना पड़ता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो वो मेरे लिए एक बड़ा टास्क था, मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल शुरू में जब मैं नई नई मतलब कोरियन सीख रही थी और कोरिया आई थी, तो मुझे कोरियन में बात करने में ना फ़ोन पर बात करने में सबसे ज़्यादा डर लगता था। लाइक मैं फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी, अगर कोई मेरे सामने तो मैं अच्छे समझा लूँगी लेकिन फ़ोन पर बात नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम मुझे करनी पड़ी। उसको सारा समझाया, उसने मेरा कार्ड बंद किया, उसके बाद हमने बोला चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस स्टेशन करीब में था, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा के आते हैं। तो हम रिपोर्ट लिखवाने गए, आप पुलिस वाले इतने प्यारे मतलब इतने अच्छे वो लोग इतने नाइस, उन्होंने बोला क्या हो गया परेशानी है बताइए। इसके बाद देखते हैं कि जो नहीं फॉरनर आई है तो फॉरनर को क्या मसला हो गया, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, वो फिर भी समझने की कोशिश करें मेरी बात। उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी, उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐप है ये डाउनलोड कर लो, अगर तुम्हारा पर्स जैसे मिलेगा किसी और को भी मिलेगा तो वो इसके ऊपर डाल देगा। वो 112 करके कोई ऐप थी, तो वो मैंने डाउनलोड करी और जो नहीं है मैं रात में खोया है, रात में कोई 11-12 बजे मेरा पर्स खोया है और मैं घर पे आई हूँ, सही से नींद भी नहीं आई थी क्योंकि मुझे एक था मतलब हाँ वो मिल जाएगा लेकिन एक टेंशन मुझे अपने जो पाकिस्तान वाले कार्ड ने उनकी थी। तो जो नहीं है मैं सोई हूँ और मैं सुबह उठी हूँ, लैब गई हूँ और बस मैं पहुँची ही थी, मुझे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था पहुँचे हुए, कोई 11 बज रहे होंगे दिन के, हाँ दिन के 11 बज रहे होंगे, रात में कोई 11 बजे खोया, दिन के 11 बजे वो पर्स जो है मेरा अपडेट हुआ हुआ था ऐप के ऊपर कि आपका वॉलेट मिल गया है और 112 पे ना उसकी पूरी पिक्चर लगी हुई थी साथ में और लिखा हुआ था कि यहाँ पर। लवे यार क्या सर्विस है, लाइक मतलब आप देखो कितनी क्विक सर्विस है, कितने ऑनेस्ट लोग हैं, एक एक चीज़ समेत मेरा पूरा का पूरा वॉलेट पुलिस स्टेशन में किसी ने पहुँचा दिया था। तो मैं गई लंच टाइम में 12 बजे के टाइम कुछ इस तरह से मैं गई वापस अपना मतलब रात में खोया है और दिन में मैं वापस गई हूँ लेने, तो वो लोग इतने खुश होकर मुझे दे रहे इतने प्यार से कि वॉलेट ना आपका पिंक वॉलेट मिला, हाँ उन्होंने मुझे दिया। मैं बाहर आई तो ना अंदर बात कर रही थी तो जो लड़की थी पुलिस वाली वो कहने लगी, बाहर निकल रही थी वो भी, वो वीडियो के अंदर भी है, वो बाहर निकल रही थी तो वो जनी है लड़के को बोलती गई कितनी प्यारी है ये खोए हुए ना करके इस तरीके से बोलती, तो अच्छा भी लगा। और गाइस इस तरीके से मेरा जो है वो वॉलेट मिल गया था, तो मैंने थोड़ी सी मस्ती करी थी लेकिन वो मस्ती उस टाइम चली नहीं, जिस चीज़ के लिए करी थी वो मस्ती खैर वो नहीं चली, लेकिन ये कि मुझे सीखने का बहुत कुछ मिला, वो ये मिला कि जो है आप आराम से मतलब एक मतलब मेरी कोरियन इतनी अच्छी थी कि मैं उस टाइम समझा लूँ, तो मतलब मुझे अपनी कोरियन इस्तेमाल करने का मौका मिला, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हुआ और जो है ये कि मुझे पता लगा कि कोरिया में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं खोती है, मतलब लाइक आप रिलैक्स होकर फिर सकते हो, आपका कुछ भी चला जाए तो आप, मैं बहुत रिलैक्स फिरती हूँ, मैं अपना सारा सामान कहीं भी फेंक के कहीं भी चली जाती हूँ और पूरी वीडियो बना के आ जाती हूँ उसके बाद अपना सामान उठाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं लाइक मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ है, इस लिहाज से कोरिया बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है फैसिलिटी। तो ये हुआ था मेरे साथ।
लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, ये तो मेरे साथ हुआ था, मतलब मेरा ये पहला इंटरेक्शन था कोरिया पुलिस वालों के साथ कोरिया के, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं परेशान थी, अकेली थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ें कर ली। लेकिन अब बारी आती है मेरी सेकंड स्टोरी की। सेकंड स्टोरी में ये हुआ था कि मेरी फ्रेंड का पर्स खोया। अब जो मेरी फ्रेंड का पर्स खोया वो मेरे साथ नहीं थी, वो नई नई मेरी फ्रेंड बनी थी, नहीं आई थी कोरिया वो भी ना, तो इत्तेफाक ये हुआ कि वो नहीं आई थी कोरिया और उसका पर्स, उसका भी पर्स खो गया। और मुझे दो दिन बाद बता रही थी, जब हम लोग आराम से बैठ के कैफ़े में बैठ के जो है बर्गर खा रहे थे लोटेरिया में रात में, वो भी रात में बता रही मुझे, सारे सीन रात में ही होते हैं हमारे साथ। तो 11 बजे या 12 बजे या पता नहीं, एक बज रहा था शायद रात के, हम लोग लोटेरिया में बैठ के बर्गर खा रहे हैं और वो बताती है मुझे कि मेरा पर्स खो गया। तो मैंने बोला भाई तू मुझे पहले बताती, मतलब लाइक यहाँ पर्स मिल जाते। उसने बोला यार मुझे लगा कि नहीं मिलते, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ अगर कुछ खो जाए एक बार तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप, मतलब आपको वो दोबारा नहीं मिल सकती चीज़। वो खो गई तो खो गई, सदका निकल गया। हम लोग एक दूसरे को बस इस तरह बोले यार जाओ चलो सदका निकल गया, ये सोच के भूल जाओ। यहाँ पे ये हिसाब किताब है कि आपको दोबारा चीज़ें मिल जाती हैं। अब वो भी इस चीज़ में थी कि शायद नहीं मिलेगी, तो उसने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करी, उसके कोई इंपॉर्टेंट कार्ड्स वगैरह उसमें नहीं थे, सिर्फ पैसे थे, कैश था। तो जो नहीं है उसने बोला चलो ठीक है नहीं करते। अब वो दो दिन बाद मुझे बता रही है, मैंने बोला बहन यार सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए था। अब मैं उसको बोल रही हूँ अभी ऐप डाउनलोड करो और ऐप पर ना अपडेट करो, जो ऐप में मुझे बताई थी उन्होंने। तो उसने वो ऐप खोली और ना ऐप में करने लगी खुद से, अब कोरियन में थी वो सारी ऐप, उसको कोरियन नहीं आती थी, और वो ना कुछ ना कुछ कोशिश करके ट्रांसलेट करके करे जा रही। और हम लोग बैठ के उस टाइम पे हम सारे देसी ही बैठे हुए थे, तो हम लोग बैठ के ना शादियों की बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की शादियाँ ऐसी होती हैं, माई होता है, मेहंदी होती है, फलाना होता है, ढिमकाना, तो शादियों की बातें चल रही हैं। तो उसने पता नहीं क्या कौन कौन से बटन प्रेस किए उस ऐप के अंदर, और ऐप में एक ऑप्शन आया जिसमें कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, उस पर हम बैठ के अपनी ज़बान में जो है शादियों की बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड होके चली गई। कुछ 5 सेकंड की या 6 सेकंड की हमारी अपनी ज़बान की बातें रिकॉर्ड होकर चली गई। इतने में गई हैं और फ़ौरन के फ़ौरन हमें कॉल आई है, और कॉल जैसी आई, अब उसको कोरियन आती थी तो उसने मुझे फ़ौरन दे दी कि तुम बात करो। अब उसने उठाई तो बोला आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं, मतलब पुलिस वाले हैं, हम पुलिस से हैं, आप लोग कहाँ हैं, आप लोग कहाँ हैं। हमने बोला, मैंने बोला पुलिस वाले अभी आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि हम लोग लोटेरिया पे हैं ना, तो उन्होंने फिर सारी इन्फॉर्मेशन ली। अब वो लोटेरिया पहुँच के 5 मिनट भी नहीं हुए, उन्होंने फ़ौरन लोटेरिया पहुँचे, फिर दोबारा कॉल नहीं कि आप लोग लोटेरिया पे कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर। मैंने देखा बाहर झाँक कर तो 2 पुलिस की गाड़ियाँ कार, उसमें 4 पुलिस वाले हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। हम फ़ौरन नीचे भागे लोटेरिया से, मैंने नीचे चलो, मैं नीचे गई लेके, तो फिर उन्होंने फ़ौरन वो लोग जो है मतलब रोड के पास वहाँ पर बैरियर होता है एक यू ना, मतलब जो ट्रैफिक है जो रोड होता है वहाँ से डायरेक्ट आने वाला नहीं था फुटपाथ पे, तो वो बंदा कूद कर आया, जो पुलिस वाला था वो कूद कर आया हमारे पास और हमसे पूछने लगा आर यू ओके, आप लोग ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ आपको क्या हुआ। तो फिर मैंने बोला नहीं कोई मसला नहीं हुआ हमें, हम तो ठीक हैं। तो बोला तो क्या हुआ था, रिपोर्ट क्यों करी ना। तो मैंने उन्हें बताया कि हमने रिपोर्ट जो है इसका पर्स खो गया था उसकी करी है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो फिर उन्होंने 2 पुलिस वाले जो एक गाड़ी थी वो 2 पुलिस वाले जिसमें आए थे वो चले गए और 2 रह गए, चलो तुम ये डील करो, मसला बड़ा मसला नहीं है। तो उन्होंने डील किया, उन्होंने जब डील किया तो उन्होंने हमें दिया एक रिपोर्ट लिख दो किस तरह का था क्या था, वो सारी चीज़ें हमने लिख दी। तो वो लोग भी चले गए कि हम पर्स मिलेगा तो आपको बता देंगे। अब वो वाले पुलिस वाले भी चले गए। तो बाद में मैंने देखा तो जो उसने रिपोर्ट की थी ना, जो उसमें बेसिकली जो वुमेंस वगैरह के लिए होता है, वुमेंस की सेफ्टी वगैरह वाला ऑप्शन होता है कि हरासमेंट वगैरह का केस ना हो जाए कुछ, उस पे जाके उसने कोई कर दिया था, तो उन लोगों को लगा कि हम डेंजर में हैं, तो वो लोग इस तरह से भागते आए कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मतलब हम लोग किसी किस्म की परेशानी में, किसी किस्म के डेंजर में हैं, तो वो इसलिए बेचारे पुलिस वाले रात में भागते आए। हमने मतलब लाइक क्या हरकत करी, मतलब कभी कभी हंसी भी आती है सोच के, लेकिन मज़ा भी आता है। तो मेरी फ्रेंड बड़ी इंप्रेस हुई थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई थी, वो कह रही थी कि यार लाइक मतलब इतनी फिक्र तो मेरे घर वालों ने भी कभी मेरी नहीं करी जितने पुलिस वाले कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, मतलब लाइक मुझे तो एक, मेरे लिए तो एक तरह से एक एक्सपीरियंस दूसरा था, तो आई एम ओके विद इट, लाइक मुझे आदत हो गई थी तो वो नहीं आई थी। तो उसने बोला कि यार ये तो बेहतरीन एक्सपीरियंस था, लेकिन ये है कि उसका पर्स नहीं मिला क्योंकि उसने कहीं और घुमाया था। 2 दिन भी हो गए, 2 या 3 दिन हो गए थे, और उसने जहाँ घुमाया था वहाँ रिपोर्ट नहीं करी, तो जो है उसका वाला नहीं मिला था, लेकिन मेरा वाला मिल गया था, अक्सर व बिस्तर मिल जाता। तो तीसरी कहानी ये गाइस, वो सबसे ज़्यादा मज़े का, लेकिन वो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया,
और मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ भी करूँ कि नहीं करूँ, लाइक मतलब करना चाहिए कि नहीं, चलो शेयर करते हैं। तो घर वालों को मना कर दूँगी ये वीडियो ना देखें। हम लोग सीन ही होता कि मेरी फ्रेंड जतीन, मैं नाम नहीं लूँगी कंट्री का, मतलब देसी थी लेकिन मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगी, वो थी मेरे साथ और जो नहीं एक और मेरी कोरियन फ्रेंड थी। हम लोग तो तीनों हम लोग जो नहीं तफरी कर रहे थे, हम लोगों ने ना नाइट आउट कर रहे थे, तो हम बाहर फिर रहे फिर रहे फिर रहे फिर रहे। अब मेरी फ्रेंड जो थी वो जो है मतलब ड्रिंक कर लेती है, कोरियन भी मेरी कोरियन फ्रेंड भी ड्रिंक कर लेती है, सिर्फ मैं हूँ जो एक नॉन ड्रिंकर हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती, लाइक मतलब मैं अल्कोहल नहीं पीती, तो जो है सूजू वगैरह नहीं पीती। अब वो उसके मुझे आदत थी, मैंने उसे देखा हुआ था, वो सूजू पीती है मेरे सामने पीती है, बहुत सारे कोरियन थे जब होते हैं तो मेरे सामने पीते हैं, मुझे कोई इशू नहीं होता, तो वो जो है वो पीती है, मुझे पता था कि इसको नहीं चढ़ती, ठीक है, तो वो पी रही। अब हम लोग बैठे हैं, अब तो कोरियंस भी होते हैं ना तो बड़े लिमिट में पीते हैं वो भाई। उस दिन क्या हुआ, उस दिन ना कोई अच्छी वाली, मतलब हम लोग वैसे ज़्यादातर ये लोग ना सूजू वगैरह पीती हैं, बियर पीती हैं, तो टेरा वगैरह वो इतनी चढ़ती नहीं है, तो ना उस दिन पता नहीं ना एक्स्ट्रा महंगी वाली थी उसने वो ट्राई की, तो अब मेरी जो फ्रेंड है कोरियन फ्रेंड है उसको अपनी लिमिट पता थी, उसने उतनी ही पी, इसको अच्छी लग गई, इसने भाई चढ़ाई खूब चढ़ाई। और मुझे मुझे पता ही नहीं कि मतलब क्या होता है, लाइक मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया, मुझे नहीं पता कि कितनी पीनी चाहिए कितनी नहीं पीनी चाहिए, कितने में चढ़ जाती है इंसान को कितने में नहीं चढ़ती, और अगर चढ़ जाती है किसी को तो उसका क्या होता है, लाइक मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता ना कि एक ड्रंक इंसान किस तरह की असल में बिहेव करता है। तो जो है उसने पी 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 बड़े मजे से। अब वो जो है मेरी जो वाली फ्रेंड है कोरियन, वो तो घर जाने के लिए थी कि वो घर चली जाएगी, लेकिन मेरी दूसरी जो फ्रेंड है उसने मेरे घर पर रुकना था, तो मैंने ठीक है मेरे घर पे लाइक रुक जाना तुम ना। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने अपनी कोरियन फ्रेंड को जो है टैक्सी में बिठा के टाटा बाय बाय कर दिया, आप हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे बाय वॉक पे, मेरा घर करीब ही था तो हम लोग बाय वॉक आ रहे थे। बाय वॉक आते 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 बीच में उसने बोला यार मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो मैंने बोला अब मैं यहाँ तुम्हें कहाँ से वॉशरूम ला के दूँ, यहाँ करीब में सबवे भी नहीं, घर चलो, घर पे जब चल के ना चलते हैं, तो सामने एक होटल था बड़ा, तो उसने बोला यार इस होटल में चलते हैं। मैंने बोला मैंने कभी होटल जाके इस तरह से नहीं किया, आई डोंट नो कि होटल में यूज़ करते हैं, कह रही करते हैं होटल में, होटल का यूज़ कर सकते हैं आप वॉशरूम, चलो चलो चलो। मैंने बोला मुझे नहीं पता इसने किया होगा कभी, तो लेट्स गो, मैं उसके साथ चली गई उस होटल में। अब उस होटल में एंटर होना मेरी सबसे बड़ी गलती या कुछ भी कहो, मतलब लाइक उस हम होटल में एंटर हुए हैं, फ्रंट का जो लॉबी वाला एरिया होता है उसमें आए हैं, वहाँ से मेन फर्स्ट फ्लोर पे था वॉशरूम, तो वो उस साइड पे जाने के बजाय वो कहती तुम बैठो मैं आती हूँ लॉबी में, मैं बैठी हूँ और वो आगे जा रही है, वो वॉशरूम में जाने के बजाय आगे चली गई लिफ्ट के पास। अब मैं उसके पास गई हूँ पीछे भागते हुए, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, तुम वॉशरूम जाओ, तो वो कह रही नहीं मुझे यहाँ अपने दादाजी से मिलना है, तो तुम जानिए घर चली जाओ, मैं अपने दादा से मिलने जा रही हूँ, मेरे दादा यहाँ ऊपर रहते हैं। मैंने कहा पागल हुई है, चल मेरे साथ वापस घर, मतलब उसको लेके आ रही हूँ। अब वो खींच के रही नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारी जान खतरे में। मैंने बोला क्या, कह रही तुम जाओ मुझे अपने दादा से मिलना है। फिर मुझे समझ आया कि भाई साहब ये तो हो गई हैं ड्रंक, अब तो ये कहेंगी कहानियाँ और मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आई वॉज लाइक मैंने पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में पहली मरतबा किसी को ड्रंक देखा था कि किसी को चढ़ती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और मैं हूँ होटल के अंदर, मुझे उसे होटल से बाहर ले जाना है, वो जाने को तैयार नहीं है, और मैं मुझे डर लग रहा है कि कोई देख ना ले कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ वाली कहानी। मैं उसको खींच रही हूँ खींच रही हूँ खींच रही हूँ, वो चल ही नहीं रही मेरे साथ, कह रही नहीं तुम जाओ मेरे दादाजी, मतलब कहानियाँ कहानियाँ इतनी ज़ोर ज़ोर से खींचा मैंने उसे, नहीं इतनी भारी हो गई वो खींची नहीं, और एकदम से जब खींचते खींचते वो गिर गई, और वो गिरी है मेरा पूरा ना ब्रेसलेट लेके गिरी थी, मेरे हाथ में ब्रेसलेट था, वो ब्रेसलेट भी टूट गया। अब मैं उसे बुलाए जाऊँ, नहीं आए नहीं आए, फिर जो नहीं जो होटल में ही होती है होटेलियर वो आई मेरे पास, कहने लगी क्या हुआ। मैंने बोला भाई मेरी फ्रेंड ड्रंक हो गई है, और ये मेरा पहली मरतबा है किसी इंसान को ड्रंक देखना, मुझे नहीं पता मुझे इसको किस तरह लेके जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मेरी हेल्प करो। तो उसने बोला मैं पुलिस बुलाऊँ, मैंने बोला यस प्लीज़ जिस भी तरह मुझे इस, मतलब इसको बाहर निकलवाओ इस होटल से ना किसी तरह। तो उसने पुलिस बुलवाई, मतलब उसने पुलिस को कॉल करी, फिर दो पुलिस वाले आए, अब पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों की भी बात ना सुने उसको, इतनी मुश्किल से हम उस होटल से, मतलब 15-20 मिनट लगे होंगे उसको हम होटल से बाहर लेकर आए। अब बाहर वाले गेट पे भी खड़ी हुई है, गेट पकड़ के कि खोलना है मुझे यहाँ पे मेरे रहते हैं, तो वो कह रहे हैं पुलिस वाले कि तुम अपने दोस्त के साथ चली जाओ, तो कह रही है ये मेरी दोस्त नहीं है, वो
आप देखो मतलब ड्रंक इंसान किस किस तरह की हो। और फिर मुझे कहती है मेरे मेरे ना और तुम्हारी जान खतरे में है, तुम नहीं मिलो मेरे घर वालों से, मेरे घर वाले ऊपर रहते हैं, फलाना ढिमकाना, मतलब पता नहीं कहानियाँ बनाया जाए। और मुझे उस पर ना गुस्सा आ रहा था। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था, मतलब एक एक लिमिट हो जाती है इंसान की बर्दाश्त की, और मुझे ना वो बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई थी, मुझे गुस्सा आ रहा। तो मैं ना उसको डांटने लगी कि मेरा चल घर ये वो। अच्छा पुलिस वाले आए हुए, अब पुलिस वाले को बोल रहे कि भाई इसको पकड़ लो, इसको टच कर लो, लाइक मतलब हाथ पकड़ लो इसका ताकि ये भागे ना। मैं हाथ पकड़ी हूँ उसका, मेरा हाथ दुख गया था, लिटरली मेरे हाथ बहुत दुख गए थे उसको कंट्रोल करने में, तो मैं थक गई थी। तो मैं उनको पुलिस वाले को बोल रही थी कि भाई इसको पकड़ लो प्लीज़। तो पुलिस वाले इसको हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं है मतलब लाइक इस तरह से नहीं होता, लड़कियों को अच्छा नहीं लगता कोई, लड़कियों को जब वो ड्रंक हो तो मतलब लाइक पुलिस वाले उन्हें हाथ लगाएं या कुछ करें, तो वो नहीं लगा रहे उसको हाथ कि कहीं हम पे वो ना हो जाए केस या हमें कोई कुछ ना बोल दे। मैं उनको बोले जाऊँ भाई इसको पकड़ लो, इसका हाथ पकड़ो ताकि मैं छोड़ूँ, नहीं उन्होंने नहीं पकड़ा। अब मैं उसको बोल रही हूँ तो मैं मतलब गुस्से में आ गई, मेरा कंट्रोल खत्म हो गया, मेरे हाथ दुख गए सारी चीज़ें। तो मैंने उसको डांट दिया ना, मैंने बोला चलो घर ये करके ना, इस तरीके से उसको डांटा कि तुम घर चलो मेरे साथ, पन्ना छोड़ के जा रही हो। मैं डांटने लगी उसको तो पुलिस वाले मुझे डांट रहे, मतलब पुलिस वाले मुझे बोल रहे कि प्लीज़ डांटो नहीं इसे। मैंने बोला मतलब वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे क्योंकि ये लोग ड्रिंक करते हैं, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। और मुझे ऐसा हो रहा था कि यार भाई क्या मतलब क्या, मतलब गुस्सा आ रहा था मुझे कि भाई अब चल हो गया, बहुत ड्रामा हो गया। तो ना वो पुलिस वाले मुझे बोलने लगे कि प्लीज़ आराम से बात करो, आराम से बात करो, डांटो नहीं से। मैं ना हाँ दो गई इतनी मुश्किल से ले जाके, फिर पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि आपका घर कहाँ है। इतनी मुश्किल से हमने उसको बाहर निकाला, हम पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वालों ने हमें घर छोड़ा मेरे, और इतनी मुश्किल से वो घर के अंदर आए। मुझे डर ये था कि अब ये घर के अंदर आ गई है, घर से भी बाहर कहीं निकलना था, लेकिन एटलीस्ट वो घर में आके सो गई। लेकिन एक एक इंटरेक्शन मेरा ये वाला था पुलिस वालों के साथ कि उसमें मुझे मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा ड्रंक हो जाओ, या पुलिस वालों का यही काम होता है, या तो ये लोग जो नहीं है ड्रंक लोगों को उठा रहे होते हैं, या घूमे हुए जो इनके एजेड घूमे हुए लोग होते हैं ना उनको वापस अपने घर पहुँचा रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे दूसरे किस्म की कोई वो तो होते नहीं है, ज़्यादातर केसेस तो इसी तरह के केसेस होते हैं कि वीकेंड में ना पुलिस वाले बेचारे जो ड्रंक लोग होते हैं ना उनको अपने घरों पर ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो ना ये अच्छी चीज़ है यार, अगर आप लोग मतलब लाइक रात का टाइम है और आपके पास पैसे कम है और आपको टैक्सी करके घर जाना पड़े, लेकिन आप टैक्सी नहीं कर सकते, तो कहीं भी गिर जाओ, पड़ जाओ ज़मीन के ऊपर, पुलिस वाले ड्रंक समझ के आपको आपके घर छोड़ देंगे। ये अच्छी ट्रिक है, मतलब लाइक मैंने सोचा था मैं कभी ना इस तरह से ना झूठा ड्रंक का नाटक करके कहीं पड़ जाऊंगी और ना पुलिस वाले को बोलेंगे कि मुझे कहीं छोड़ दो, मतलब लाइक इस तरीके से करूंगी, लेकिन मैंने आज तक कभी किया नहीं है। करना एक खुराफाती आइडिया है, बट मैंने कभी किया नहीं है, करना नहीं चाहिए क्योंकि बेचारे लाइक काम कर रहे होते। लेकिन फ्री की टैक्सी बन सकती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और दूसरा ये कि गाइस एक जो चौथी इंटरेक्शन थी मेरी, वो बेसिकली रीसेंट थी, जब जो है मेरी फ्रेंड के घर पे आग लगी थी, वो मैंने आपको सारी डिटेल बताई हुई। उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन थी नहीं क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे अलग किस्म के इंटरेक्शन थी। पुलिस वाले जस्ट इन केस आए थे कि कोई मसला मसाइल ना हो। तो ये वाली कहानी है गाइस कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत सेफ है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर आप लोग को ये कहानी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, गो टू माय फेसबुक चैनल एज वेल, सपोर्ट एज वेल, एंड बाय बाय।